का उच्चारण हमेशा पहले सांस अंदर लेते हैं और ओम कहते हुए सांस बाहर निकलती है। तो एक लंबी गहरी सांस एंड ओम। बॉडी को पैम्पर करते हैं, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा एक्सरसाइज चाहिए, सबसे बेस्ट कपड़े चाहिए और मुझे सुंदर दिखना है तो मुझे पार्लर जाना है, मुझे मसाजेस चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। या तो हम अपने सोल से जुड़ते, सत्संग जाना है, मेडिटेशन करना है, अच्छी बातें सुनिए करना है, बट आपकी जो बॉडी है ये सबसे स्थूल है। ये पिक्चर शायद पीछे नहीं दिखाई देती, कोई बात नहीं, इसलिए इसको पूरी ब्लैक में बनाया हुआ है कि आप इसको ठोस स्वरूप में देख सकते हैं। आपका बॉडी, सोल और माइंड जब ग्लो होता है तो आपका लाइफ ग्लो होता है। सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ऐसे हैं कि हमारे पास, सबके पास बॉडी है, सबके पास लाइफ है, सबके पास सोल है, सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के साथ माइंड है, विजडम है, बट वो विजडम किससे जुड़ा हुआ है, माइंड से जुड़ा हुआ है। हमें सिर्फ हम
ये पावर है, बाकियों में इंस्टिंक्ट होता है कि मुझे कोई तंग कर रहा है तो मैं उसको मारूंगा, ये इंस्टिंक्ट है। पर ह्यूमन बीइंग सोच सकते हैं, अच्छा उसने मुझे आज तंग किया, कोई बात नहीं, मैं आज तो हंस लूंगा, मैं 4 साल के बाद इसको दिखा दूंगा। कि जब वो सोचे, दिस इज हाउ वी कैन थिंक, एंड नॉट ओनली इन अ नेगेटिव मैनर, वी कैन थिंक इन अ पॉजिटिव मैनर ऑल्सो, करेक्ट। सो जब हम ये अपने माइंड की बात कर रहे हैं, तो हमारे माइंड में क्या है, व्हाट इज आवर माइंड? आई विल से कि हमारा माइंड जो है वो हमारे बॉडी और सोल की जो जर्नी है इसके बीच का चैनल। डू यू एग्री विद मी? चैनल बिटवीन बॉडी एंड माइंड, बॉडी एंड सोल। ओके, तो आप मुझे बताइए कि ये माइंड है, माइंड में क्या क्या है? इंटेलेक्ट, मेमोरी, इंटेंशन, कॉन्शियसनेस, ओके, फियर, दैट इज इमोशंस। ओके, और अगर मैं आपको कहूँ कि माइंड की सारी चीजें हैं, पर सबसे हावी हम पे क्या होते हैं? Do you agree with that? Is there anyone in this group who can say, I have no stress, no anxiety whatsoever? Nobody can say. I'm very happy. At least sab log sach bol rahe. And our body always follows the mind. Do you agree with that? But our mind also follows the body, but mostly because our mind is so active, our body starts following our mind. Okay. अगर मैं कहूँ यहाँ पे एक बहुत बड़ा जहरीला सांप आ गया है, सबसे बड़े पहले क्या आएगा? Fear. Fear आएगा, तुम्हारा reaction क्या होगा? Nervousness. नर्वसनेस होगी, सिर्फ बचाओ, क्या करोगे? फ्लाइट। ओके, सो आपका फियर कहाँ पे था? आपके माइंड में था। आपका रिएक्शन कहाँ पे था? बॉडी में था, करेक्ट। नाउ आई विल प्रूव यू द अदर वे अराउंड ऑल्सो। आप कितने भी एंशियस हो, कुछ भी हो, अगर आप बहुत अच्छा म्यूजिक सुनते हो या आप जाके एक्सरसाइज करते हो, घर के बाहर निकलते हो, 4 दोस्तों को मिल लेते हो, तो क्या आपकी एंजाइटी थोड़ी कम हो जाती है? यस। तो इसमें क्या हुआ, आपके बॉडी ने एक्शन लिया तो आपके इमोशंस कंट्रोल में आए। सो इट इज बोथ वेज, इट वर्क्स बोथ वेज। एंड टुडे वी आर गोइंग टू study emotions and how emotions affect us, that we all know. आप में से कितने लोगों ने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा पिक्चर देखी है? सब, काफी लोगों ने। तो उसमें आपने देखा होगा, आपने वो लास्ट वाला सीन देखा है, वो जहाँ पे तीनों हीरोज जो होते हैं वो स्पेन में वो बुल्स के सामने भाग रहे होते हैं, उसमें उन्होंने कितने अच्छे से दिखाया है वो डर, वो एड्रेनल हाई, एंड व्हेन दे विन दैट रेस हाउ दे आर फीलिंग, करेक्ट। सो ये जो इमोशंस है ये हमें बहुत सुख भी दे सकते हैं और बहुत दुख भी दे सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एलोपैथी में अगर आप इमोशनल ट्रबल के लिए जाते हो तो दे गिव यू ओनली सप्रेसर, दे आर ओनली सप्रेस, दे आर नॉट एड्रेस्ड, दे आर नॉट क्योर। And whereas in Sujo, we've had lovely results with emotional cure.
And I would just share one patient with you. She was a mother. She came to me and she said, this was in Pune. She came to me and she said, Ms. Vicky, I want to, emotional problems, hum body problems aake fatafat sabko bol sakte hain. Emotional problems hum share nahi karna chahte. To ye pura center akele hai, ye hai, wo hai, dekhe mujhe bata diya. Mujhe na bahut jyada anger hai aur agar main matlab mujhe koi mazak pasand nahi hai, agar mera beta bhi mujhe mazak karta hai, mere sath mazak karta hai aur mere haath mein kaichi hai to main utha kar ke kaichi fek deti hu, and I am scared of ki kahin main apne bete ko hurt kar jaun. So that was her, that was a level of her anger. Reason kya tha wo dusra tha hissa, but now after all the treatment and all, she is so fine that she has learned sujog, and now she is like Eklavya. She keeps watching your videos because she is over there, and she keeps doing all the treatment and healing for others. So kehne ka ye tha, it was not for me or ma'am, it was ki sujog mein iska treatment ho sakta hai. So hum ye treatment कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे? आपकी जो हाथ है इसका ये फाइव लेफ्ट हैंड पे हम जनरली इमोशंस का ट्रीटमेंट करते हैं. अभी हम यहाँ पे मैंने चार्ट पे लगा दिया है, काफ़ी सारे इमोशंस हैं, विल टेक फाइव ऑफ देम. सबसे ज़्यादा इमोशन आपको कौन सी तंग करती है? एंजाइटी, एग्नी, एंजाइटी काफ़ी देर तक चल रही है तो वो एग्नी में चेंज हो जाती है. आपके इंडेक्स, लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर का लोअर मोस्ट जॉइंट, इसको आप खूब अच्छे से करो. सब लोग ट्रीटमेंट शुरू, मसाज करना शुरू करो. खूब अच्छे से मसाज कीजिएगा. लास्ट जॉइंट, लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर, लास्ट जॉइंट, जॉइंट 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 ये वाला. सरफेस लेवल पे आप इसको मसाज करना शुरू कर दीजिएगा. दिस इज योर एंजाइटी जॉइंट, दिस इज योर एंजाइटी जॉइंट. जैसे ही आपको लगता है कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है, स्टार्ट मसाजिंग दिस जॉइंट. एंड एंजाइटी को आपको बढ़ाना है कि कम करना है? कम करना पक्का. एंजाइटी तो कम ही करनी है आपको. तो एक ब्लू पेन लेके आप इसको लाइन रिंग, आप इसको इस तरह से करेंगे, ठीक है. दूसरा ट्रीटमेंट आप क्या कर सकते हैं, आप इसको एक मेथी की पट्टी बना करके पूरे इसको लगा करके रख सकते हैं, या आप चार मेथी के दाने आगे पीछे, आगे पीछे और साइड टू साइड लगा सकते. इसके साथ में एंजाइटी और एग्नी के साथ में प्लीज ट्रीट योर डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि एंजाइटी और एग्नी का सबसे पहला निशाना होता है आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम. एंड इट हैज बीन सीन मेनी टाइम्स कि जिस पर्सन को स्ट्रेस है, जिस पर्सन को एंजाइटी है, उसको डाइजेशन की प्रॉब्लम्स होते हैं. एसिडिटी हो सकती है, अल्सर्स हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, और तो डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक, स्प्लीन, डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन्स को आप ये कर सकते हैं. दूसरा कौन सा इमोशन है जो आपको हमेशा दिखाई दे रहा है? फियर, ओके, डर. तो फियर जो है इसी उंगली का टॉप मोस्ट जॉइंट, फियर
topmost joint. You can start massage और इसको आप फियर कम करना चाहते हैं कि फियर बढ़ाना चाहते हैं? हर बार हम फियर कम ही करना चाहेंगे, हमें कम ही करना चाहेंगे इन एडल्ट्स, करेक्ट? पर सारे इमोशंस अच्छे होते हैं, जैसे मैंने बोला फियर भी अच्छी इमोशन है. अगर आपको फियर नहीं होगा, यस लाइक शी सेड, फियर नहीं होगा तो एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं होगी. फियर नहीं होगा तो सब लोग सोचेंगे मैं सुपरमैन हूँ और उड़ना शुरू करेंगे. फियर नहीं होगा तो छोटे बच्चे जो होते हैं या कोई भी होता है, हम आग पे चलना शुरू करेंगे. तो फियर, कुछ हद तक फियर भी होनी चाहिए, बट ये इमोशनल ट्रीटमेंट हम तब करेंगे जब ये इमोशंस हम पे हावी होने लगे. वी कैन नॉट हैंडल इट. ऐसे नहीं कि लाइक मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है एंड मुझे बहुत गुस्सा आता है वो ओनर से जो कहते हैं नहीं नहीं हमारा कुत्ता कुछ नहीं करता है और सारे फौजी कॉलोनी में कुत्ते भरे हुए हैं. नॉट स्टेट डॉग, इवन द पालतू डॉग, यू डोंट नो लाइक मुझे डर लगता है तो मुझे डर लगता है और सब लोग बोलते हैं कुछ क्यों डर रहे हो. बट जिसको डर लगता है उसको तो पता है ना कि मुझे डर लगता है, कुत्ता आगे खा देगा तो मैं क्या करूँ. तो पर क्या इस समय क्योंकि मुझे कुत्तों से डर लगता है मैं ब्लू रिंग लगा करके घूमूंगी? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट ओवर हियर कि छोटी छोटी चीजों को बिकॉज हमने आपको नॉलेज दिया है, डोंट पिक अप योर पेन एंड स्टार्ट ऑफ. ठीक है कि बच्चा अंधेरे में जाने से डर लग रहा है, तुरंत हाथ पकड़ करके नीली रिंग मत लगाना. जैसे मैंने बोला थोड़ा डर अच्छा भी रहता है. ठीक है, सो ओनली व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट ओवर हियर इज कि इमोशन शुड बी ट्रीटेड ओनली व्हेन दे स्टार्ट बिकमिंग प्रॉब्लम. प्लीज, दिस इज समथिंग यू शुड ऑल अंडरस्टैंड. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव टोल्ड यू and especially with your children, because all mothers want their children to have perfect life, perfect everything. So please don't pick up those, which is the third emotion that we should take. And ha, agar aapko fear hai to iske sath aapke kidneys aur aapke UB ko zarur treat karo. Aapka correspondence jo hai, agar kisi ko bahut zyada dar hai, बहुत मतलब जिसका ट्रीटमेंट होना ही चाहिए इस तरह का डर है, तो आप जॉइंट पे भी तो काम करोगे ही करोगे. अननोन फियर, अननोन फियर, अननोन हो नोन हो दैट डजंट मेक अ डिफरेंस. बट अगर वो ट्रीटमेंट करने लायक फियर आपको लगता है कि नहीं, तो उसके साथ आप किडनी पॉइंट्स पे और यूबी पॉइंट्स पे ज़रूर कॉरेस्पॉन्डेंस कीजिए. और सिर्फ कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब दो राजमा लगाना नहीं, मसाज करके सब कुछ करके फिर आप लगाएं. ठीक है, विच इज अ थर्ड इमोशन दैट वी शुड टेक? सैडनेस. ओके, एंगर, समवन सेड एंगर, सो वी टेक एंगर. रिंग फिंगर द टॉप मोस्ट जॉइंट दैट इज योर एंगर जॉइंट. गुस्सा आता है, सबको आता है, आना भी चाहिए. इसका ट्रीटमेंट आप कब करोगे? इसका ट्रीटमेंट इट इज आउट ऑफ कंट्रोल, एक्सेस, जैसे हार्मफुल. जैसे वो लेडी ने मुझे बोला कि मुझे अपने आप से डर लगता है कि मैं हाथ में जो चीज है वो उठा करके फेंक के मारती हूँ, दैट इज हार्मफुल. ये नहीं कि आज हस्बैंड ऑफिस से आए और कुछ हो गया और उन्होंने गुस्सा करना शुरू कर दिया, चलो करना शुरू कर देती हूँ. नो, नॉट दैट, नॉट वंस इन अ वाइल्ड गुस्सा,
बिकॉज गुस्सा भी सारे इमोशंस के पॉजिटिव भी होते हैं. गुस्सा कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है. अगर आपका बॉस आपके ऊपर गुस्सा करता है तो उससे अगर आपका काम का क्वालिटी अच्छा होता है तो दैट इज अ कंस्ट्रक्टिव एंकर. बट अगर मुझे मेरे हस्बैंड ने कुछ सुबह जाते वक्त बोल दिया, उसके बाद मैं पूरा दिन अंदर ही अंदर गुस्सा करती रहूं, कैसे बोला, क्यों बोला, क्या समझते हैं, मेरा कुछ है कि नहीं, एंड आई गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. नॉट ओनली दैट डे, नेक्स्ट डे, सही लग रहा है ना, नेक्स्ट डे, थर्ड डे, एंड आई कीप गोइंग ऑन दैट वन पॉइंट. वो तो भूल गए हैं, वो तो भूल गए हैं, और आप पकड़ करके बैठे हो एंड यू आप अंदर ही अंदर वो गुस्से से कुड रहे हो, और ये गुस्सा आपके अंदर खाए जा रहा है. एक तो होता है यैन गुस्से, जो मैंने बोला उठा करके फेंक के मारोगे. दूसरा होता है अंदर ही अंदर गुस्सा जो होता है. अगर किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और किसी को हमेशा गुस्सा रहता है, कोई भी छोटी मोटी बात पे गुस्सा होता है, प्लीज़ वो पर्सन के लिवर और जीवी के ऊपर हमेशा कॉरेस्पॉन्डेंस कीजिए. लिवर और जीवी गॉल ब्लैडर, उसके लिवर और गॉल ब्लैडर पे हमेशा काम कीजिएगा, कॉरेस्पॉन्डेंस कीजिए हमेशा. ये तो आप करेंगे ही, ये आप ट्विस्टिंग करेंगे. जब वो गुस्सा नहीं है तब उसका ट्विस्टिंग करो, गुस्से में मत करने जाना प्लीज. तो गुस्सा नहीं है तब ये ट्विस्टिंग करो, अच्छे से मसाज करो, यहाँ पे ब्लू कलर की रिंग लगाओ, और चाहिए तो मेथी के चार दाने या मेथी की ये लगा दीजिए. ठीक है. और एक इमोशन कोई बोल रहा था, सैडनेस, वेरी कॉमन दिस थिंग, दुखी. हर बात पे हम दुखी होते हैं कि जेटली ने हमें इनकम टैक्स में कोई रिबेट नहीं दी. पहले गुस्सा आया, बाद में दुखी हो गए. कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते. या तो फिर किसी ने हमें डांट दिया, हम दुखी हो गए. किसी ने हमें कुछ बोल दिया, दुखी हो गए. मेरे ड्रेस की तारीफ नहीं की, दुखी हो गए. मैंने नई वाली बिंदी लगाई है, नई देखी. हर चीज पे हम दुखी होते. क्यों दुखी होते हैं? क्यों हम अपना जॉय जो है, अपनी खुशी जो है, दूसरों से जुड़ी रखते हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं. सो एनीवे, सैडनेस का जो ये है, मिडिल फिंगर के मिडिल जॉइंट इज सैडनेस जॉइंट. आपकी ट्रीटमेंट इस समय यही होगी कि ये आप करो, सैडनेस, दुखी होना इज सैडनेस. सो इसको मसाज करो. और दुख कम करना चाहते तो कोई भी चीज कम करना चाहते तो ग्लोरी, मेथी के दाने, मेथी की पट्टी, और कॉरेस्पॉन्डेंस पे हम लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स के ऊपर काम करें. लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स के ऊपर काम करें. अब ये हमने सारे नेगेटिव इमोशंस ले लिए जो हमें काम करने हैं. कुछ अच्छे वाले लेते हैं ना, जॉय, जॉय इज ऑल्सो इमोशन जो हम बढ़ाना चाहते हैं, करेक्ट. तो जॉय को अगर हमको बढ़ाना है तो आपकी लिटिल फिंगर का मिडिल जॉय, लिटिल फिंगर का मिडिल जॉय इज योर जॉय जॉइंट. और कोई चीज बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, रेड कलर, रेड कलर.
हम क्या करेंगे? रेड कलर की रिंग, लिटिल फिंगर, मिडिल जॉइंट इज योर जॉय जॉइंट. और कोई भी अगर हमारा इमोशन ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ये तो जरूर लगा, ये तो जरूर ही लगाना, इससे बैलेंसिंग हो जाए. जॉय तो सबको चाहिए, हर वक्त चाहिए, तो ये तो आपका बहुत अहम जॉय. और रेड कलर का रिंग, और इसके ऊपर आप फिर से सीड्स लगा सकते हैं सेम वे. कॉरेस्पॉन्डेंस में आप हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन को कर सकते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस. इसलिए अगर आप सेंटर में आते हैं, हम लोग जरूर एक हार्ट का पॉइंट आपको लगा देते हैं, या तो यहाँ लगाएंगे या तो यहाँ लगाएंगे, कहीं ना कहीं हर थेरेपिस्ट आपको एक हार्ट का पॉइंट लगाता ही लगाता है. और एक अच्छी इमोशन होनी चाहिए हमें, जो हमें कम है, और उसकी वजह से हमारे सारे सेटिस्फैक्शन टॉलरेंस भी होनी चाहिए. पर अगर आप सेटिस्फाइड है तो टॉलरेंस बढ़ेगा आपका. अगर आप अपने आप में, आपने जो अचीव किया है उससे सेटिस्फाइड है, तो आपका टॉलरेंस भी बढ़ेगा, आपका सब कुछ अच्छा होने लगेगा. तो ये आपका सेटिस्फेक्शन का जॉइंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन सॉरी स्मॉल फिंगर का टॉप मोस्ट जॉइंट. ये आपका सेटिस्फेक्शन का जॉइंट है. और इसके साथ, सेटिस्फेक्शन के साथ हमेशा रेड कलर बढ़ाना ही है. सेटिस्फेक्शन तो आपको बढ़ाना है, पर हाँ, कई बार अगर कोई बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड बंदा हो तो सेटिस्फेक्शन कम भी करना पड़ेगा. नहीं, रेयर केसेस है, पर अगर अगर आपका बच्चा है 21, 22, 23, बहुत सेटिस्फाइड है, मैं कितना सेटिस्फाइड हूँ, मैं कुछ नहीं करना चाहता, जो भगवान ने दिया सब कुछ है. हाँ, लेजी है, दैट इज लेजीनेस. दिस सेटिस्फेक्शन इज हार्मफुल फॉर हिम, दिस सेटिस्फेक्शन इज हार्मफुल फॉर हिम. सो इस समय आपको सेटिस्फेक्शन को कम भी करना पड़ेगा, पर ये आमतौर पे नहीं होगा. आपको और मुझे सेटिस्फेक्शन हमको टोनिफाई करना है, तो रेड कलर का रिंग और सीड्स लगाएंगे. एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि हमारा सेटिस्फेक्शन किससे जुड़ा है? स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स. अगर आप यहाँ पे सेंटर में आते हैं तो आपको क्या विश करते हैं हम लोग? स्माइल. स्माइल, व्हाई नॉट गुड मॉर्निंग? पूरा जग गुड मॉर्निंग बोलता है, हम क्यों नहीं गुड मॉर्निंग बोलते? हम स्माइल क्यों बोलते हैं? स्माइल होगा तो अपने आप गुड हो जाएगा. ओके, गुड. एंड हम गुड मॉर्निंग जो मसल्स का, करेक्ट. So I just want to make this clear to everyone ki why smile. That is why smile. Smile face is more attractive and appealing. Absolutely. मैं आपको ऐसे देखो और बहुत अच्छी थेरेपिस्ट हूँ पर ऐसे देख के काम करूँ, या मैं आपको इस तरह से ट्रीटमेंट करूँ, अच्छी थेरेपिस्ट ना हो, आप किसके पास जाना पसंद करोगे? जो स्माइल करता है, बिकॉज स्माइल मेक्स यू अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग. स्माइल इम्प्रूव्स योर मूड. आप कितने भी गुस्से में हो, इसलिए मैम हमेशा बोलती है स्माइल मुद्रा करो. स्माइल नहीं भी आ रहा है, डू दिस एज अ मुद्रा. ये आपका मूड इंप्रूव करेगा. स्माइल इज कंटेजियस. आप स्माइल करते हो, नेक्स्ट वाले को स्माइल करने का दिल करता है, और इट रिलीजेस ऑल द पेंट अप इमोशंस. और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, दिस इज ऑल साइंटिफिकली प्रूवन थिंग्स. ठीक है ना?
Smile, it releases pent-up emotions. It makes you more creative and productive. It reduces your cortisol levels. Cortisol levels are the, cortisol is a stress hormone. So automatically आपका stress level down होता है. It boosts your immune system. It helps you to live longer and happier. It releases neurotransmitters called endorphins, dopamine and serotonin, and which lower your stress, they relax your body, they lower your heart rate and BP, they make you sleep well, they reduce your perception of pain, they elevate your mood, they create happiness, and smile appears when there is harmony and perfection of body and mind. It's a perfection phenomenon. So it improves human relationships. Smile reduces anxiety and conflicts. और smile का सबसे जो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है सबसे best चीज बताओ. Your brain cannot make out whether it is a genuine smile or whether it is a fake smile. So even if you cannot smile, fake it till you make it. क्योंकि आपका ब्रेन सारे ये चीजें करेगा अगर आपका स्माइल झूठा है तभी भी. I don't feel like smiling. So angry. Do it. क्योंकि इससे आपके ब्रेन से आपको सेम इफेक्ट मिलेगा, शायद थोड़ा कम मिले, but it will be something similar. So that is why you should smile, and that is the best emotion, and that's why we have adopted smile as our emotion. So any other questions?